नमस्कार बच्चों, आज हम लोग गिनती का अभ्यास करेंगे। गिनतियों को अभी तक हमने पढ़ा था, हिंदी शब्द अंकों को जो हमने अब तक पढ़ा था वो क्रम से पढ़ा था, ठीक है। तो क्रम से पढ़ने में हमारा अभ्यास हो गया, अब हम उसको अलग अलग पढ़ेंगे। कि मान लीजिए आपसे कोई अचानक पूछ ले कि अंक लिखा हो कि ये कितना है, अब आप बता ना पाओ, है ना, तो आपको पता होना चाहिए कि ये संख्या कितनी है, 5। तो इसी का अभ्यास करेंगे कि अलग 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 अंकों को हम हिंदी शब्दों में कैसे बोलते हैं। अंकों को हिंदी शब्दों में लिखिए, ये लिखा है 4, इसको हम हिंदी शब्द में 4, 3, 5, 11, 6, 9, 2, 14। कभी कभी बच्चे अचानक पूछते हैं तो वो कहेंगे 4, 3, 13, 14, लेकिन ऐसे नहीं। अगर हम हिंदी शब्द में पूछ रहे हैं कि ये गिनती कितनी है, ये शब्द अंक कितना है, तो आपको हिंदी शब्द में उसी प्रकार बताना है, ठीक है। तो हम इसका अभ्यास करेंगे और हिंदी शब्दों के में ही गिनतियों का बोलेंगे और उसको सीखेंगे कि हिंदी शब्द में अंकों को किस प्रकार बोलते हैं। धन्यवाद।